तो गाइस टेक्नो की तरफ से आपको पता है कि स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G। तो अगर आपने यहाँ पे ये टेक्नो का पोवा 5 प्रो 5G वाला अगर आपने स्मार्टफोन परचेस किया है या फिर परचेस करने का प्लान कर रहे हो, तो मतलब ऑलरेडी आपने परचेस कर ही लिया होगा। तो ऐसे में अगर आप यहाँ पर वेट कर रहे थे इसमें अपडेट का, कि आप इसमें जानना चाहते थे कि इसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट कब आएगा, तो यहाँ पे गाइस आज के आप लोगों के लिए गुड न्यूज है। फाइनली यहाँ पे जो टेक्नो का 5 प्रो 5G है इसमें एंड्रॉइड 14 का अपडेट आ चुका है। तो ये जो अपडेट है कल की डेट में आया है। तो अगर आपके पास टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G है तो आपको बस जाना है सिस्टम में, अपने मोबाइल के सेटिंग्स में, और सिस्टम अपडेट में जाना है। यहां पे जाके आपको अपना जो टेक्नो पोवा 5 प्रो है वो बस आपको अपडेट कर लेना है लेटेस्ट वर्जन में। यहां पर आपको एंड्रॉइड 14 का अपडेट देखने को मिलेगा। यू कैन सी ये जो अपडेट है गाइस, ये लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये आपका 6.34 GB का यानी कि 6.5 GB का यहाँ पर आपका डेटा, आपको इंटरनेट डेटा चाहिए। तो अगर आप जियो का डेटा यूज कर रहे हो तो मेक श्योर आप जियो का डेटा यूज मत करो। अगर आपको एंड्रॉइड 14 अपडेट करना है अपने इस टेक्नो पोवा 5 प्रो में, तो आपके पास एटलीस्ट 6.5 GB का डेटा होना चाहिए। तो आप किसी वाईफाई से कनेक्ट कर लो या आप किसी भी शॉप में चले जाओ, वहां पर आप उनको पैसे दे दो, वो आपको थोड़ा वाईफाई यूज करने के लिए दे देंगे आधे घंटे के लिए। और उसके बाद या तो साइबर कैफे में चले जाना, यहाँ पर आप जाके अपना जो टेक्नो पोवा 5 प्रो है ये आप अपडेट कर लाना। अगर आपके घर में ऑलरेडी वाईफाई है तो बस आपको वाईफाई से कनेक्ट करना है। आपका जो बैटरी है वो आपका 100% पूरा का पूरा चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज आप यानी कि 50% के ऊपर ही होना चाहिए, अदरवाइज आपका अपडेट नहीं होगा। तो यहां पर अभी मैं अपडेट कर रहा हूं, 6.34 GB का यहां पे डेटा है। और यहां पे देखो अपग्रेड टू वर्जन एंड्रॉइड वर्जन 13.14, और इसमें आपको और भी HIOS के और भी आपको लेटेस्ट 14 वर्जन भी देखने को मिलेगा। और कुछ भी अगर आपको सिस्टम में लैग है, कुछ भी हैंग का इशू है, वो भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पे जाता हूँ और इसको मैं अपडेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं टैप करो और यहाँ पे देखो मेरा अपडेट मतलब स्टार्ट होना शुरू हो चुका है। तो यहाँ पर ये नियरली ऑब्वियस से बात है 6.34 GB का डेटा है, तो ऑब्वियस से बात है बहुत ज्यादा टाइम आप लगने वाला है। तो यहाँ पे मैंने इसे स्टार्ट कर दिया है और अभी अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है। तो 6.34 GB का आपका डेटा लगने वाला है, तो देखते हैं कि कितना टाइम कंज्यूम करता है। तो अभी जो यहाँ पे टाइम हो रहा है 3:49 यानी कि ऑलमोस्ट 4:15 हो रहे हैं। तो अभी से बात है, देखते हैं कितना टाइम लगता है पूरा चार्ज पूरा 100% पूरा कंप्लीट होने के लिए। तो लेट्स वेट करते हैं। तो 3:50 हो चुका है, तो वेट करते हैं। यहां पर अभी जो है अपडेट का जो प्रोसेस है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो इसने जो मेरा टाइम यहाँ पे कंज्यूम किया है, आई थिंक गाइस काफी ज्यादा टाइम इसने कंज्यूम किया। रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे तक इसने मतलब ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे का टाइम इसने ले लिया यार पूरा का पूरा मतलब अपडेट होने के लिए। तो बिकॉज 6.34 GB इतना टाइम तो लेना नहीं चाहता, इस बिकॉज की शायद मेरा इंटरनेट कनेक्शन स्लो होगा जिसकी वजह से इसने टाइम ले लिया। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पर इसे रिस्टार्ट कर लेता हूँ बिकॉज इसका जो अपडेट का प्रोसेस है वो पूरी तरीके से मतलब कंप्लीट हो चुका है। तो देखते हैं अभी अपडेट आता है कि नहीं 14 का, बिकॉज मैंने इसको 14 में अपडेट तो कर लिया है और अभी मैंने रिस्टार्ट कर दिया है। तो अभी यहां पर एंड्रॉइड 14 अगर आप अपडेट कर रहे हो तो एंड्रॉइड ये जो टेक्नो पोवा 5 प्रो है इसमें आपको एंड्रॉइड 13 मिलता है। तो अगर आप अपडेट करोगे 14 का अपडेट आ चुका है तो 6.34 GB आपका यहाँ पे कंज्यूम होगा ही होगा, तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो अभी अपडेट कंप्लीट हो चुका है, तो देखते हैं अभी क्या सिस्टम का सेटिंग्स देखने को मिलता है। तो स्मार्टफोन अभी स्विच ऑन हो चुका है और यहाँ पे अभी रात के बज रहे हैं 10। इसको मैंने रखा था नियरली कुछ 3:50 यानी कि 4:15 मैंने इसको अपडेट के लिए छोड़ा था और अभी रात के 10 बज रहे हैं। तो यहाँ पे लेकिन ठीक है, बट शायद मेरा नेटवर्क कनेक्शन का ही प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पे देखो पूरा का पूरा ये अपडेट हो चुका है। उसके बाद अगर आप माई फोन्स में जाओगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो UI है वो पूरा चेंजेस हो चुका है और यहाँ पर अभी हाइपर ये जो हाई OS है जो कि टेक्नो का वो अभी मिलता है, जबकि यहाँ पे पहले वर्जन 13 था, अभी यहाँ पर अपडेट के बाद वर्जन 14 आ चुका है। और एक और जो चेंजेस है जो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर सेटिंग्स में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। रैम्स आप देखोगे ऑलमोस्ट ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बट ठीक है नॉर्मल सा चेंजेस है। और उसके बाद अगर बैक चैन में जाएंगे यहाँ पर वर्जन एंड्रॉइड वर्जन यहाँ पे 14 देखो अपडेट आ चुका है। तो पहले यहाँ पे एंड्रॉइड 13 था, अपडेट के बाद यहाँ पर अभी एंड्रॉइड 14 आ चुका है। इस पर मैं टैप करूं तो अभी ये पूरा का पूरा एंड्रॉइड 14 यहाँ पर आ चुका है। तो फाइनली जो है मेरा टेक्नो का पोवा 5 प्रो 5G एंड्रॉइड 14 में अपडेट हो चुका है। एक बात का ध्यान रखना, अगर आप अपडेट कर रहे हो ना तो आपका मोबाइल पूरा 100% चार्ज होना चाहिए, अदरवाइज आपका अगर स्विच ऑफ हो गया ना तो वापस आपको पूरा करना पड़ेगा, आपका डेटा वेस्ट होगा। और सबसे मेन बात, ज्यादा बेटर होगा अगर आप इसको 100% चार्ज करके रात को अपडेट के लिए छोड़ देना, सुबह तक ये पूरा अपडेट हो जाएगा। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आई थिंक, बिकॉज मैंने इसको इवनिंग के टाइम भी किया था, टेम्परेचर हॉट था। तो अब बेटर होगा आप इसको रात के टाइम अपडेट करना, अपडेट के लिए छोड़ देना आफ्टर 1 PM आफ्टर 1 AM, और उसके बाद टेम्परेचर कूल रहेगा तो जो अपडेट है वो भी जल्दी जल्दी हो जाएगा। तो ये मेरी गलती है, तो आप ये गलती मत करना, बट ठीक है मेन जो चीज है वो कि यहाँ पर अपडेट चेंजेस हो चुका है और फाइनली एंड्रॉइड 14 मुझे मिल चुका है मेरे टेक्नो के पोवा 5 प्रो 5G में। दैट इज ऑल अबाउट। तो ये था गाइस टेक्नो पोवा 5 प्रो 5G का एक एंड्रॉइड वर्जन। सो दैट्स ऑल अबाउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।